नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कोसी से संबंधित सारी जानकारियाँ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम हर साल कोसी भरें या ना भरें, एकल कोसी कब भरें, कैसे भरें, जोड़ा कोसी कैसे भरें, कोसी कैसे भरते हैं। तो इसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि क्या हर साल कोसी भरना ज़रूरी है। तो जी, अगर आपके घर का वो परंपरा है कि बिना कोसी के हम छठ का व्रत नहीं करते हैं, तो आप लोगों को तो ज़रूर कोसी भरना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में दादी मम्मी वो लोग भरी है, तो आप लोग भी कोसी भर के ही छठ का व्रत कीजिएगा। अगर आपके घर का ये परंपरा नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ आपको भरना है या ना भरें। लेकिन हाँ, जब भी आपके घर में कोई नया कार्य करते हैं, जैसे किसी वंश का जन्म हुआ है, किसी लड़का या लड़की का शादी की है या गृह प्रवेश की है, तो उस टाइम आपको कोसी ज़रूर भरना चाहिए। क्योंकि हमारे घर में खुशखबरी रहता है, तो इसलिए हमें एकल कोसी नहीं, वो उस टाइम हमें जोड़ा कोसी भरनी चाहिए। तो ऐसे भरे या ना भरे, लेकिन अगर शुभ कार्य कुछ हुआ है, तो उसमें आप लोग जोड़ा कोसी भरिएगा। अब अगला चीज़ बता देती हूँ कि एकल कोसी कैसे भरे। तो देखिए, एकल कोसी 12 को होता है, जैसे 12 मिट्टी के बर्तन आते हैं उसको एकल कोसी बोलते हैं, और जोड़ा कोसी 24 मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं। तो क्या कीजिएगा कि अगर एकल कोसी भरना चाहते हैं 12 को, तो 12 ईंट से मंडप बनाइएगा। अगर जोड़ा कोसी भरना चाहते हैं तो 24 का, तो 24 ईंट से मंडप बनाइएगा। तो सबसे पहले तो आप मार्केट जाइएगा, और मार्केट से आप वहाँ पे जो मिट्टी के सामान जो बेच रहे होंगे, उससे बोलिएगा कि हमें कोसी का सामान चाहिए। वो खुद आपको सब कुछ दे देंगे, मिट्टी का प्लेट, हाथी, कलश, सब चीज़ देंगे, और उसमें डालने के लिए जो अर्घपात होता है वो भी देंगे, सब कुछ। अगर छठ के व्रत कर रही हैं, तो आप जा कर के बोलिएगा कि हाँ मुझे कोसी का सामान चाहिए, कोसी का सामग्री जो इसमें डाला जाता है वो चाहिए, तो आपको सब कुछ दे देगा। फिर आप मार्केट से आ कर के फिर उसको अच्छे से धो लीजिएगा, जो भी मिट्टी के बर्तन लाई हैं, कलश है, हाथी है, मिट्टी का प्लेट है, दिया है, तो वो सब धो लीजिएगा। और धो करके क्या कीजिएगा कि अगर आटा गेहूं का आटा है, तो उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला करके थोड़ा सा लेप बना लीजिएगा। अगर वो नहीं है, तो चावल का आटा है, तो उसको भी घोल करके हल्दी मिला के थोड़ा सा लेप बना लीजिएगा। फिर कप प्लेट हो या कलश हो या हाथी हो, सब पे थोड़ा थोड़ा सा लगा दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सिंदूर लगा दीजिएगा, और उसके बाद क्या कीजिएगा कि जितना भी फल फ्रूट है उसमें से थोड़ा थोड़ा ही काट के, क्योंकि इतना छोटा छोटा तो मिट्टी का प्लेट आता है, तो उसमें कितना जाएगा अंदर, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा काट काट करके उसमें सारे फल, लौंग, इलायची, ठेकुआ, पूरी, सब चीज़ उसमें भरिएगा। तब उसको, उसके बाद आप ईंख का मंडप बना लीजिएगा। जैसे आप एकल कोसी भर रही हैं तो 12 ईंख का, अगर जोड़ा कोसी भर रही हैं तो 24 ईंख का मंडप बना लीजिएगा। उसके बाद उसमें पीस हो या गमछा हो, उसके बीच में बांध दीजिएगा, और उस गमछे में हम लोग चंदनी बोलते हैं उसको, तो उस चंदनी में आपको घी से बना हुआ ठेकुआ, पूरी और 5 प्रकार के फल उसमें रख के फिर ईंख के बीच में बांध दीजिएगा, क्योंकि उसी के सहारे से ईंख का मंडप बनता है। तो ईंख का मंडप बना लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि बीच में हाथी को बैठा दीजिएगा, और उसके ऊपर से कलश रख दीजिएगा। कितने लोगों के यहाँ 5 मुखी दिया आता है, कितने लोगों के यहाँ 7 मुखी दिया आता है, तो जैसे आता है आप लोग अपने यहाँ के देख लीजिएगा। तब उसके बाद क्या कीजिएगा कि दिया को प्रज्वलित कर दीजिएगा, और हाथी के आगे में कुछ खाने के लिए अनाज, हमारे यहाँ तो धान रखा जाता है, आप लोग अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा, और थोड़ा सा आदि हो, मूली हो, हाथी के आगे में रख दीजिएगा। हाथी को बीच में बैठा करके फिर चारों तरफ से हाथी को कपटी, मतलब जो मिट्टी का प्लेट है जो उसमें सब चीज़ डाल के सजाइए, उसको रख दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि दीप को प्रज्वलित कर दीजिएगा। जब भी आप लोग कोसी भरे, तो वहाँ पे अपना दौरा जरूर रखे, डाला जो डाला लेकर के आप छठ के घाट पर गई है, तो वो डाला कोसी के साथ में रखना चाहिए। जब भी लोग आता है, अपना गोरू लागू के चला जाता है, फिर आप लोग क्या कीजिएगा कि उसको
उछलूंगा कर लीजिएगा और उसके बाद उसको उठा करके और रख दीजिएगा आराम से, क्योंकि अगले दिन हमें घाट पे भी कोसी जलाना रहता है। तो उसको घाट पे जब जाइएगा कोसी जलाने, क्योंकि जेंट्स लोग जाते हैं घाट पे कोसी जलाने, तो पता नहीं आप लोगों के यहाँ ये परंपरा होता है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ होता है कि कोसी जला लेंगे, उसके बाद जो हाथी उसमें का होता है उसी नदी में डाल देते हैं, और जो भी सुबह के टाइम में जो उगते सूर्य को जो हम लोग अर्घ देते हैं, तो तिवई जो भी जाती है अर्घ देने तो अपना उसी हाथी के करीब में सट करके फिर वहीं से अर्घ देती है, और हाथी को वहीं पे छोड़ करके और हम लोग चले आते हैं। क्योंकि ऐसे लाएंगे तो इधर उधर रखेंगे तो इससे अच्छा है कि वो अपना पानी में ही गल जाएगा, और बाकी जो कलश है, दिया है, मिट्टी का प्लेट है, उसको हमें एक साल तक संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, पैर उर लग जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए अगर किसी को प्रसाद देना है तो कोसी आप लोग प्रसाद के तौर पर उसको दे सकते हैं, जो बच गया उसको संभाल करके कपटी दिया और कलश उसको संभाल के रख दीजिए। फिर अगले साल उसको क्या कीजिएगा कि किसी नदी या किसी झुगी झाड़ी में आप लोग रख दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कोसी से संबंधित आप लोगों को सारी जानकारियाँ मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। तो चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है कि हाँ, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिसको कोसी के बारे में ना पता हो वो अपना जान लेगा। तो चलिए, वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।